हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही अमेजिंग स्मूदी रेसिपी जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, आपके स्किन के लिए और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए। ये है बायोटिन ब्रेकफास्ट स्मूदी। सो बायोटिन बेसिकली वाइटामिन B7 को कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ दी असेंशियल वाइटामिन्स जिसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है आपके मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में और डाइजेशन के प्रोसेस में। इट इज़ ऑल्सो वाइटल फॉर योर हेयर ग्रोथ एंड ग्लोइंग स्किन। बायोटिन की डेफिशिएंसी को वैसे पता करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अगर आपके बाल बहुत पतले हैं या आपको हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके फेस पे रेडनेस या रैशेस रहते हैं, या फिर आप बहुत डिप्रेस्ड टायर्ड रहते हैं एंड यू हैव दिस टिंगलिंग इन योर आर्म्स एंड लेग्स, दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर बायोटिन की डेफिशिएंसी है। बहुत सारे ऐसे फूड्स हैं जो बायोटिन में काफ़ी रिच होते हैं और ऐसे ही कुछ हेल्दी वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर मैंने ये स्मूदी तैयार की है। तो ओट्स, बनाना, नट्स एंड सीड्स, दे आर नॉट जस्ट ओनली रिच इन बायोटिन बट उनके अंदर बहुत सारे और भी वाइटामिन, मिनरल्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सो बायोटिन की ये स्मूदी ना सिर्फ आपके दिन को एक अच्छी शुरुआत देगी, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, स्किन को हेल्दी बनाएगी, बल्कि उसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल से लेके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने तक, हेयर से लेकर वेट लॉस को प्रमोट करने तक, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने से लेकर आपके डाइजेशन को एड करने तक बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। आपकी एनर्जी को लिफ्ट अप करेगा। इनफैक्ट बायोटिन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल वाइटामिन्स फॉर योर हार्मोनल बैलेंस। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डालते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं ओट्स। तो ये 3 से 4 टेबलस्पून हम ओट्स लेंगे। फ्लैक्स सीड्स मैंने लिए हैं आधा टेबलस्पून, पम्पकिन सीड्स 1 टीस्पून, सनफ्लावर सीड्स 1 टीस्पून। ये बहुत छोटे डेट्स हैं, अगर आप लार्ज डेट्स यूज़ करें तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं। कोको पाउडर है 1 टीस्पून। थोड़ा गुनगुना पानी हम लेंगे 3/4 कप। मिल्क हमें चाहिए, आप लो फैट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, डेयरी वाला, या फिर आप कोई प्लांट मिल्क जैसे कि नट मिल्क होता है, आमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो 1 कप हमने मिल्क लिया है। बनाना हाफ लेंगे हम और सोक किए हुए आमंड्स 6। साथ ही पीनट बटर है। पीनट्स ऑल्सो आर रिच इन बायोटिन। और थोड़ी सी आइस क्यूब्स हैं इस स्मूदी को ज़्यादा सिल्की बनाने के लिए, पर ये ऑप्शनल हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी प्रिपरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने एक बोल में ओट्स को, डेट्स को ऐड कर दिया है। डेट्स के हमें सीड्स रिमूव कर देने हैं। साथ ही फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, कोको पाउडर भी उसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने इसमें पानी डाला है और इसे अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे सोक होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमें इसे मिनिमम 2 से 3 घंटे या फिर आप इसे ओवरनाइट फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, ताकि सुबह झटपट आपकी स्मूदी बनकर तैयार हो जाए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि एक ब्लेंडिंग जार हमें लेना है। ये मैंने जार ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे अपने ओट्स का मिक्सचर। ओट्स का मिक्सचर ऐड करने के बाद बनाना और सोक किए हुए आमंड्स भी ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर पीनट बटर ऐड कर दिया है। सबसे पहले हम इसे ऐसे ही ब्लेंड करेंगे बिना मिल्क को ऐड किए, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी स्मूथ हो जाए। जब हम ज़्यादा पानी के साथ ब्लेंड करते हैं किसी चीज़ को तो उसकी कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं बनती है। तो एक बार इसे अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद अब हम मिल्क ऐड करेंगे और इसे दोबारा ब्लेंड करेंगे। तो आपकी हेल्दी बायोटिन रिच स्मूदी बनकर तैयार हो गई है। आप थोड़े से गार्निशिंग के लिए और इसमें सीड्स ऐड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल फूड्स हैं। इन जनरल भी अगर आप ओट्स को, बनाना को, आमंड्स को और अलग अलग तरह के सीड्स और नट्स को अपनी डाइट के अंदर ऐड करेंगे तो आपकी डाइट में बायोटिन जो है वो ऐड ऑन हो जाएगा, उसका इंटेक इंक्रीज होगा। ओट्स की बात करें तो बायोटिन के अलावा इसके अंदर इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा इसमें मैग्नीज, फॉस्फोरस, कॉपर, थियामाइन भी होता है। डेट्स और ऑल्सो वेरी हेल्दी। बनाना के अंदर भी बायोटिन होता है, इसके अलावा उसमें फाइबर, पोटेशियम, फोलेट और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अगर हम नट्स एंड सीड्स की बात करें, नॉट ओनली दे आर हाई इन गुड फैट लाइक वाइटामिन के, वाइटामिन ई, वाइटामिन ए, बट फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। इनके अंदर जिंक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, कॉपर भी होता है, तो इन्हें अपनी डाइट के अंदर ज़रूर ऐड करें। स्पेशली सनफ्लावर सीड्स जो होते हैं दे आर हाई इन वाइटामिन ई, B1, B6, आयरन, कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। सो डू ट्राई दिस न्यूट्रिशियस बायोटिन रिच स्मूदी और अपने डेली न्यूट्रिशन को आप बूस्ट कीजिए। साथ ही अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक और रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करना ना भूलें। दैट इज़ फूड फिटनेस एंड फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ and stay active. I'll be back very soon with another healthy, interesting and simple recipe. Until next time, you take care. Bye bye.